आज के डेट में एक कार खरीदना जितना ही ज़्यादा आसान है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल सवाल ये कि आपको एक डीजल कार खरीदनी चाहिए या आपको एक पेट्रोल कार खरीदनी चाहिए। देखिए, हम जब भी ये क्वेश्चन किसी से भी पूछते हैं, चाहे वो कोई सेल्समैन हो, चाहे वो कोई ऑटो एक्सपर्ट हो, वो आपको यही एडवाइस देगा कि अगर आप ज़्यादा कार चलाते हो तो आप डीजल कार के साथ जाओ, और अगर आप कम कार चलाते हो तो आप एक पेट्रोल कार के साथ जाओ। तो कितना कम या कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा आप कार चलाओगे तब आपको डीजल कार लेनी चाहिए, या कितना आप कम कार चलाते हो तब आपको एक पेट्रोल कार लेनी चाहिए। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को लेकर मैं एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपके अपने चैनल विशाल जोन पे, और मेरा नाम है विशाल द्विवेदी। ओके, तो डीजल और पेट्रोल कार का जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है एक कैलकुलेटर। परेशान ना होइए, ये कैलकुलेटर नहीं, एक फ़ोन है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेटर होता है तो आप इससे अपना काम चला सकते हो। और जो दूसरी चीज़ है वो आपको उस कार का, जो आप कार खरीदने जा रहे हो उसका ऑन रोड प्राइस होता है। देखिए, आप मान लो मारुति सुजुकी की डिज़ायर खरीदने जा रहे हो, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मारुति सुजुकी ने मुझे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं करा है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे उसका ऑन रोड प्राइस पता है, ठीक है। तो जो टॉप मॉडल पेट्रोल में ऑटोमेटिक के साथ आपको मिलता है वो 990,000 रुपये का मिलता है, और वही अगर आप डीजल में ऑटोमेटिक के साथ टॉप मॉडल लेने जाते हो तो आपको 1,90,000 रुपये का मिलता है। तो मोटा मोटा यहाँ प्राइस में जो डिफरेंस है वो 1,00,000 रुपये का है। जो 1,00,000 रुपये का डिफरेंस है, अब कई लोगों का सोचना यहाँ पे ये होता है कि यार 1,00,000 रुपए में मैं तो 2 से 3 साल पेट्रोल डला के कार चला सकता हूँ, क्यों 1,00,000 रुपए एडवांस में या शुरुआत में मैं ज़्यादा दूँ। उनका मानना कई हद तक सही भी है। अब इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको करना कुछ नहीं, अपने कैलकुलेटर को उठाना है और एक छोटी सी कैलकुलेशन है उसको करना है। आपको कितना किलोमीटर महीने में कार चलानी है ये आपको जोड़ लेना है। आपको कितने टाइम तक एक कार को रखना है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग 3 साल रखते हैं, कुछ लोग 4 साल रखते हैं, कुछ लोग 7-8 साल भी रखते हैं, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो कार खरीदनी है वो कितने रुपए की है। तो इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए। शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी के डिज़ायर के पेट्रोल वेरियंट से। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि आप कितना कार चलाओगे, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि 1,000 किलोमीटर महीना आप कार चलाते हो, ठीक है। तो 1,000 किलोमीटर आप कार चलाते हो और इस कार को आप 4 साल रखने वाले हो, तो 4 साल का मतलब हो गया 48 महीने। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 से, यानी हो गया 48,000 किलोमीटर जो आप टोटल कार चलाओगे 4 साल में। अब कानपुर में जो इस समय प्राइस चल रहा है पेट्रोल का, वो चल रहा है 70 रुपये 8 पैसे, और जो एक पेट्रोल डिज़ायर आपको माइलेज देगी, देखिए कंपनी की माने तो लगभग 21 का माइलेज दे देती है, लेकिन हम इसे 15 का मान के चलते हैं क्योंकि अलग अलग ड्राइविंग कंडीशंस और सिटी में कभी आप चलाओगे, कभी आप हो सकता है हाईवे में चलाओ तो माइलेज कम और ज़्यादा होता है, तो हम इसे एक आइडियल 15 मान के चलते हैं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, यानी लगभग 3200 लीटर पेट्रोल आप खर्च कर दोगे इस कार पे 4 साल में। और अभी जो पेट्रोल का प्राइस चल रहा है वो 70 रुपये 8 पैसे चल रहा है कानपुर में। देखिए, आपकी सिटी में प्राइस भी अलग हो सकता है पेट्रोल का, तो इसे अपने हिसाब से ही कैलकुलेट करें। तो जो टोटल आपने कार में खर्च करा पैसा वो है 224,000 रुपये और 256 रुपये भी है, खैर 224,256 रुपये प्लस इसमें आपको करना है 990,000 जो कि आपकी गाड़ी का प्राइस है। तो 4 साल बाद ये जो गाड़ी है ये आपको पड़ी जाके 12,14,256 रुपये। ये जो कैलकुलेशन है ये 1,000 किलोमीटर के हिसाब से, मतलब आप हर महीने में 1,000 किलोमीटर चलाते हो तब। अब आते हैं डीजल गाड़ी पे, सेम वही कैलकुलेशन, 1,000 के हिसाब से अगर आप देखो तो लगभग 48,000 हो जाता है आपका टोटल रनिंग जो आप करोगे अपनी डीजल कार पर भी, ठीक है। और
अब जो डीजल कार है उसका जो माइलेज है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको 20 से कम तो नहीं देगी डिज़ायर, ठीक है, बट आप और थोड़ा सा कम कर लो, 18 का मान के चलते हैं। तो अगर इसे आप 18 से डिवाइड करते हो तो टोटल जो आपका कार पे डीजल का खर्चा आएगा वो 2,666.66, ये आप 2,666 ही मान लेते हैं। और जो डीजल का प्राइस है कानपुर सिटी में वो 63.44 रुपये है। तो लगभग यहाँ पे अगर खर्चा आप देखो तो 1,69,131 रुपये। अब इसमें गाड़ी की कीमत जोड़ देते हैं 10,90,000, तो ये करीब करीब हो गया 12,59,131 रुपये। तो अब अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखो, इसमें मैं पेट्रोल कार का जो प्राइस आया था हमारा उसे हम घटा देते हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है लगभग 44,000 रुपये का। अब इस 44,000 के अलावा देखिए, दोनों कारों में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का भी कॉस्ट आता है। अगर आप पेट्रोल कार खरीदते हो तो नो डाउट वहाँ पे जो प्राइस होता है मेंटेनेंस का, सर्विस का, वो थोड़ा सा कम होता है डीजल की अपेक्षा। तो अगर ये 44,000 रुपये हो रहा है तो इस हिसाब से अगर आप 1,000 मेरी मान के चलो, अगर आप 1,000 किलोमीटर कार चलाते हो तो आपको एक पेट्रोल कार ही खरीदनी चाहिए। अगर आप इस कार को 6 साल रखते हो तो क्या कैलकुलेशन आएगी, अगर आप 1,000 किलोमीटर प्रति महीने चलाते हो उस कंडीशन में। देखिए, अगर आप 6 साल रखोगे इस गाड़ी को तो जो डीजल वेरिएंट है ये 6 साल बाद आपको इसकी जो कीमत होगी वो होगी 13,43,760 रुपये, जबकि जो पेट्रोल इंजन है वो आपको पड़ेगा 13,26,384 रुपये। तो अगर हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो जो डिफरेंस आएगा वो लगभग 17,376 रुपये का आएगा। इस हिसाब से अगर आप देखो तो अगर आप 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो प्रति महीने और इस गाड़ी को 6 साल तक रखते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको एक पेट्रोल इंजन के साथ ही डिज़ायर को ख़रीदना चाहिए। और अगर आप 1,500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा गाड़ी को चलाते हो और 6 साल से ज़्यादा रखना चाहते हो तो मैं बोलूँगा कि आपको इस गाड़ी का डीजल इंजन ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने 1500 बोल दिया तो किसी भी कार के साथ जो ये कैलकुलेशन होगी वो सेम मैच कर जाएगी। देखिए है क्या, मारुति सुजुकी की ये जो डिज़ायर है इसमें जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस में डिफरेंस है वो लगभग 1,00,000 रुपीज़ है। अलग अलग कारों में ये जो डिफरेंस है प्राइस में ये अलग अलग हो सकता है, कुछ कारों में 1,00,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे 1,00,000 से कम तो मुझे उम्मीद नहीं है किसी में भी है। तो आप जब भी कोई कार को ख़रीदने जाते हो तो आप इस कैलकुलेशन को करके ज़रूर देखो और मुझे उम्मीद है लास्ट में आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाओगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अगर कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो आपके दिलो दिमाग में तो आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप इसी टाइप के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैं इसी टाइप के और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।